जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, तो तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्हें 2 हफ्ते की परलो दी है और अजय चौटाला अपने बेटे दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और अपने बेटे की ताजपोशी से पहले परलो पर बाहर आए हैं। अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिए गए हैं और तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। तो बता दें कि भर्ती घोटाला मामले को लेकर सजायाफ्ता है अजय चौटाला और 2 हफ्ते की परलो पर वो बाहर आ गए हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ने साथ मिलकर सरकार बनाने का शुक्रवार को देर शाम फैसला किया है। सुबह जेल से वो बाहर आ गए, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेटे दुष्यंत की ताजपोशी से पहले ही तिहाड़ जेल से छूटे हैं अजय चौटाला और शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्हें 2 हफ्ते की परलो दी और ऐसे में अजय चौटाला रविवार को अपने पुत्र दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री पद से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से मनोहर लाल सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, तो वही डिप्टी सीएम के तौर पर दुष्यंत चौटाला और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तैयारी और उससे पहले अजय चौटाला तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। तो बाप के नाम से ही जाना जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं दुष्यंत के नाम से जाना जाऊँ। महसूस तो दुनिया में इन कार्य है, हम तो जेल में हैं और उसने अकेले ने इन साथियों के सहयोग से इतना बड़ा संगठन जो 11 महीने पहले खड़ा किया और आज उसने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी हैसियत बता दी कि तुम क्या हो। और इसकी शुरुआत तो जींद में ही कर दी गई थी और सर अब निश्चित तौर पे उस कांग्रेस के साथ तो हम जा ही नहीं सकते जिसके जन्मजात विरोधी हैं, जिसके जन विरोध में ही पैदा हुए हैं।